अभी तक मेरे जो है लंदन में खर्च हो चुका है 45 पाउंड्स खर्च हुआ है। अगर मैं ये हैरी पॉटर का अगर टिकट एक्सक्लूड करता हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोग जाएंगे बहुत सारे लोग नहीं जाएंगे, तो ये इंटरेस्ट पे खर्च है ये, तो इसको मैं अलग रखता हूँ। अदरवाइज़ मेरा 45 पाउंड्स तीसरे दिन में खर्च हुआ है और कल सुबह की फ़्लाइट है, तभी देखते हैं। और अभी तो मैं डायरेक्टली अभी हॉस्टल जा रहा हूँ और उसके बाद सीधा मॉर्निंग में सीधा ट्रेन लेनी है, और अभी भी मेरे कार्ड में अराउंड 7 और 8 पाउंड बचा हुआ है, तो देखते हैं टोटल कितना खर्चा होता है लंदन में। अभी तक ये स्पेंड है, मैंने 3 रात 2 रात और आज थर्ड डे, तीसरे दिन मतलब 3 रात ले लो, मैंने गुरुद्वारे में खाना खाया है और दोपहर में बाहर खाना खाया था, और लंच तो बाहर किया, और मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट था वो तो मेरे नॉर्मल होता है, कभी करता हूँ कभी नहीं करता हूँ, बिकॉज 11-12 बजे सो के उठता हूँ, तो वो नहीं है। अभी देखते हैं टोटल स्पेंड मेरा लंदन में कितना होता है ये 3 डेज़ में। ये लंदन का पास एरिया है, यहाँ पे देखो शांति तो हर जगह देखने को मिलेगी, बहुत कम लोग रहते हैं, बट ये थोड़ा पॉश एरिया है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नया दिन और एक नई शुरुआत के साथ। आज लंदन में मेरा डे 4 है, आज यहाँ से चेकआउट है और लंदन से जा रहा हूँ वापस। अब मैं जा रहा हूँ टर्की। समय हो रहे हैं यहाँ पे सुबह के 5, और यहाँ पे आई थिंक 4 बजे ही सुबह हो गई थी, सूरज भगवान निकल चुके थे, और अभी मेरे सामने ये स्टेशन। यहाँ से 2 ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी और फिर मैं पहुँच जाऊँगा गैटविक एयरपोर्ट, तो यहाँ से मुझे करीब 1.5 घंटे लगेंगे पहुँचने में। और ठीक है, In my head, I will think with regret and should go the cheaper way. ये पता नहीं, ये भी थोड़ा confused थी, तो पहले इसने कुछ और बताया, फिर दूसरे हिसाब से पूछा इसने कि कैसे है, उसने कुछ और बताया, फिर मैं सोचा कि यार मैं अपने हिसाब से चलता हूँ जो मैप में दिखा रहा है, जिस स्टेशन में चेंज करना है और जहाँ से मुझे एयरपोर्ट की लाइन लेनी है। बट फिर इसने दोबारा बताया ये स्टेशन चेंज करो वो स्टेशन चेंज करो, तो चलो ठीक है जैसा उसने बोला एक बार मैं ट्राई करता हूँ। ऐसा जाता हूँ एक स्टेशन से मुझे चेंज करके, फिर वहाँ पे पिंक कलर का एक बॉक्स बना हुआ, उसमें मुझे टैप करना है और फिर वहाँ से एयरपोर्ट लाइन लेनी है। कह रही है 16.5 पाउंड पड़ेगा टोटल, तो मैं वहाँ से जब आया था तो 15 पाउंड पड़ा था, और 15 पाउंड से फिर विक्टोरिया से फिर मैं यहाँ पे आया था, तो अभी देखते हैं कितना पड़ेगा। 16.3 पाउंड, दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव मैन, आई मीन फ्रॉम एयरपोर्ट टू सिटी सेंटर इज़ कॉस्टिंग मी अराउंड 1700 रुपीज़, दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव। बट कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास, दूसरा ऑप्शन टैक्सी का जो कि 80-90 पाउंड्स पड़ता है, तो अभी चलते हैं, अभी देखते हैं। अभी मेरी जो पहली जो ट्रेन अभी आएगी, मेट्रो आएगी, वो अभी 15 मिनट्स है यहाँ पे। तो ये मुझे जाना है विल्सन जंक्शन टू क्लैफम जंक्शन, ये जाएगी आपकी एयरपोर्ट लाइट। अब मुझे यहाँ पे पिंक बॉक्स देखना है जहाँ मुझे टैप करना है, पिंक बॉक्स। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है नॉट ट्रैवलिंग वाया Zone 1, इफ यू हैव अ ट्रैवल कार्ड दैट डजंट इंक्लूड Zone 1 और यूजिंग पे एज यू गो ऑलवेज टच योर कार्ड ऑन द पिंक रीडर टू पे द राइट फेयर। सो अगर आप Zone 1 में ट्रैवल नहीं कर रहे हो और आप पे एज यू गो बेसिकली ऑयस्टर कार्ड यूज कर रहे हो, तो आपको पिंक वाले पर टैप करना है राइट फेयर कैलकुलेट करने के लिए, अदरवाइज ओवर चार्ज हो जाएगा। लेट्स सी, बिकॉज यहाँ पे थाने मेरे ख्याल से आगे होगा, तो वहाँ पे एक बार चेक करते हैं। चलो गाइस, मॉर्निंग बहुत ही सुहा है, कोई नहीं दिख रहा, और यहाँ सुबह 4 बजे ही हो गई थी, मतलब अंधेरा हट गया था, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 10 बजे अंधेरा होता है, तो 10 और 2 टोटल 6 आवर्स ही जो है अंधेरा होता है और पूरे दिन उजाला रहता है। तो और 4-5 विल्सन जंक्शन टू, तो आई हैव टू टैप दिस विंटर्स, सॉरी हो गया 4 और 5, सॉरी, तो ये मुझे 4 और 5 में जाना है। चलो भाई साहब आ गया, ये ओवरग्राउंड है, वो थी अंडरग्राउंड, ये ओवरग्राउंड, वो ट्यूब थी, ये मेट्रो।
सो जो अंडरग्राउंड जा रही है वो ट्यूब है, ऊपर जो जा रही है वो मेट्रो है। अब मुझे यहाँ से टोटल 6 स्टेशन क्रॉस करना है और 6 स्टेशन के बाद जो आएगी वो एयरपोर्ट की लाइन आएगी। वो भाई मैं जिस ट्रेन से जाना था वो ट्रेन ही ख़राब हो गई है, वो पूरी लाइन आई थिंक कुछ डिस्टर्ब है, टेक्निकल इशू है, तो पूरा लाइन बंद कर दिया गया। अब मुझे पूरी प्लेटफॉर्म चेंज करनी पड़ेगी। अब मैं अपर ग्राउंड से लोअर ग्राउंड में आ गया हूँ और फिर यहाँ पे चेंज करनी। आई एम नॉट श्योर विच ट्रेन इज दिस। उस टाइम मेरी ट्रेन आ गई थी और टोटल 5 स्टेशन चेंज करने के बाद फिर मैं जा रहा हूँ एलिजाबेथ लाइन। इस लाइन पर जाना है और इस लाइन को भी 4 स्टेशन चेंज करनी है, फिर उसके बाद आएगी एयरपोर्ट लाइन। अभी पता नहीं मुझे कि वहाँ पे मुझे टैप करना है नहीं करना है, बट देखते हैं यार। अब बिकॉज तो बार चेंज कर लिया, एक बार ट्रेन वहाँ पे ख़राब हो गई, बट आई थिंक यहाँ पे टैप नहीं करना होगा और सेम लाइन पे ही जाना होगा। तो मुझे भी लगता है 30 मिनट और 45 मिनट्स और लगेंगे वहाँ पे एयरपोर्ट पहुँचने में। मैं 7:15 के अराउंड पहुँचूँगा। ये देखो कितना अच्छा गया है। प्लीज़ स्टैंड ऑन द राइट, राइट पे ही खड़ा रहना है, लेफ्ट में बिकॉज लोग जाएंगे इनको जिसको जल्दी जाना होगा, अदरवाइज राइट में खड़े रहो। इन्होंने स्क्रीन बिस्ले लगा रखा है, देखो ये फर्स्ट ट्रेन आ रही है, ये नहीं जाएगी। सेकंड ट्रेन का भी हमारा टाइम नहीं है, थर्ड ट्रेन जो है उसमें भी नहीं है, फोर्थ में है 6:54 में, ब्रिक्टन वाया गेटविक एयरपोर्ट, तो 10 मिनट लगेगा उसको आने में 3 ट्रेन के बाद। ये है प्लेटफॉर्म 3, ये है सिटी लंदन, लंदन ब्रिज, एलिफेंट कैसल से ही तो आ रहे हैं यार। अच्छा वो दूसरी लाइन थी वो, ओके। ये है थेम्स लिंक है और दूसरा जो था गैथविक लाइन था वो रेड कलर में होता है, ये वाइट में। ये थोड़ा चीपेस्ट है कंपेयर टू दी गैथविक लाइन। फाइनली मैं एयरपोर्ट वाली ट्रेन में बैठा हूँ और ये कम से कम 35 मिनट्स लगेगी यहाँ से पहुँचने में। टोटल 4 स्टेशन है बट डिस्टेंस ज़्यादा है यहाँ पे, ये कहीं भी नहीं रुक रही है, सिर्फ 3 स्टेशन पे रुकेगी और 4th स्टेशन जो है वो एयरपोर्ट है और ये लाइन सीधी उसके आगे चली जाएगी, मतलब एयरपोर्ट से भी आगे जा रही है ये लाइन। एग्जिट एयरपोर्ट, देखो सभी राइट में जा रहे हैं, लेफ्ट में खाली है, राइट में जा रहे हैं सभी। चलो भाई साहब पहुंच गए हम गैथविक एयरपोर्ट, प्लेटफॉर्म 3 और 4 यहाँ से हमें जाना है एयरपोर्ट टर्मिनल आगे से। जैसे ही ट्रेन से निकलोगे यहाँ पे साइन है साउथ टर्मिनल और नॉर्थ टर्मिनल, साउथ टर्मिनल के स्ट्रेट जाना है, नॉर्थ टर्मिनल के राइट जाना है और साउथ बाउंड लोकल बसेस आपको राइट है, तो मेरी जो फ्लाइट है वो साउथ टर्मिनल पे, तो मैं जाऊँगा स्ट्रेट। दूसरी साइड जो है गैथविक स्टेशन जाता है जहाँ से मैं भी आ रहा हूँ, ये नॉर्थ टर्मिनल जाएगा, साउथ टर्मिनल मेरे पीछे है। अब चलते हैं, यह पेपर मैंने उठा लिया, पेपर फ्री है यहाँ पे, तो चलो भाई सुबह का टाइम है थोड़ा पेपर पढ़ लेंगे। रॉयल मेल लंदन का है, यहाँ पे आप डालोगे आप जिस कंट्री में भी जहाँ पे भी भेजना है ये डाल सकते हो। और टाइमिंग जो है मंडे टू फ्राइडे, लास्ट इसका जो कलेक्शन होता है शाम को 6 बजे। ये अच्छा सिस्टम है यहाँ पे, एक जब जाएगा तो दूसरा आएगा, अदरवाइज लाइन में पीछे लगे रहो, खड़े रहो। अब मेरा नंबर आ गया, मैं चलता हूँ 3 नंबर पे यहाँ पे। अब मैं यहाँ से उठाऊँगा, ये भाई लंदन का ड्यूटी फ्री। Exchange your enhance your whiskey experience. I choose a word. ये लाइन किस लिए है भाई? कलेक्शन पॉइंट? अच्छा कुछ खरीदा होगा। अब आए भाई सब डिपार्चर एरिया में, अब सबसे पहले चेक करते हैं लाउंज कहाँ पे है। लाउंज इज
at left side. Wrong way. Guys, Nando's yahan bhi hai. Nando's. Soft. फर्स्ट फ्लोर पे आप आओगे तो यहाँ पे भी ड्यूटी फ्री है. एक बार मुझे लाउंज चेक करना है, लाउंज के लिए शायद यहीं जाना होगा. लाउंज यहाँ दिख रहा है, क्लब रूम्स तो यहाँ पे है. एक और लाउंज शायद देखना पड़ेगा कहीं होगा. पहले उस लाउंज में जाते हैं, उस लाउंज में देखते हैं क्या है यहाँ पे. अरे यार इतना लंबा लाइन, इतनी लंबी लाइन. Oh, right. Just side net for me. Left foot. I just off man. I pulled the air with it. They grab a good reaction. Mate, thanks. You know, do that, guys. You. Chalo, bhai saab. Come put them up. That in college, Adam said that he's a good boy. Not the bathroom right here. What do you mean? I danced that with my hand. He went to take the spot. Well, no. यार एक तो ये 9:30 में क्लोज़ हो जाएगा और इन्होंने बोर्डिंग जो गेट बताया है 15 मिनट पहले बताया है. अब 15 मिनट बंदा भाग ही जाएगा ना यार. खाना पीना सब छोड़ दिया, वाइन जो मैंने ली थी वो आधी पी थी वो सब भी छोड़ दिया. अब मुझे भागना है 91 पे. भाई साहब लास्ट है 92, उससे पहले 91. अब भाग रहा हूँ जैसे जैसे पहुँचूँगा यार. ये इंजन ऑन हो नहीं रहा, मुझे नहीं पता कितना लेट होगा.